खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको शालोम। हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी समत में दौड़ रहा है, हमारी दौड़ें लगी हुई हैं। बहुत लोग इस दुनिया में फानी चीज़ों के लिए दौड़ रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो लाफानी चीज़ों के लिए दौड़ रहे हैं। फानी चीज़ें इस दुनिया के लिए, लाफानी चीज़ें उस दुनिया के लिए। फानी चीज़ें इस दुनिया की बादशाही के लिए, लाफानी चीज़ें खुदा की बादशाही के लिए। अगर इंसान खुदा की बादशाही के लिए दौड़ता है तो उसके अंदर इत्मीनान, खुशी और सुकून है और वो आसमान पर ख़जाना जमा करता है और बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस होता है। अगर इंसान सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों के लिए दौड़ता है तो वो सिर्फ अपने लिए ही जीता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था और बादशाह ने अपने बादशाही में हर किस्म के मुलाजम थे, लेकिन एक मुलाजम उससे बहुत मुतासर हुआ उसकी कारकर्दगी से। वो घुड़सवार था और बादशाह के सारे अस्तबल की निगरानी करता था। बादशाह उससे बहुत खुश हुआ तो उसने, बादशाह ने उसे इनाम दिया कि ये लो घोड़ा, सबसे अच्छा घोड़ा उसको इनाम में दिया और कहा कि ये लो घोड़ा और ये मेरी ज़मीन है, ये सल्तनत है मेरी बादशाही में, जितना ये तुम दौड़ा सकते उस घोड़े को दौड़ा लो और जहाँ तक ये घोड़ा पहुँच जाए, जहाँ तक तुम इसके साथ पहुँच सकते हो, वो सारी ज़मीन तुम्हारी। वो बहुत खुश हुआ और सुबह सुबह तड़के तड़के उठकर घोड़े पर बैठा और उसने सरपट उसे दौड़ाना शुरू कर दिया, तेज़ और तेज़ और तेज़ घोड़े को चाबक मारता और दौड़े और इस दौड़ में वो दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया। ना तो वो पानी पीने के लिए रुका, ना खाना खाने के लिए रुका, ना आराम करने के लिए रुका, ना घोड़े के लिए आराम, ना खुद उसने आराम किया। आखिर तेज़, इसी तेज़ दौड़ में उसकी ख्वाहिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर ले ताकि वो बाद में ऐश करेगा। आखिर क्या हुआ इस दौड़ में, इस तेज़ दौड़ में घोड़ा दम तोड़ गया, खुद भी दम तोड़ गया, घोड़ा मर गया, खुद भी मर गया। वो सारी ज़मीन जो उसने इस दौड़ में हासिल की वो किसकी हुई? इसी तरह खुदा के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील सुनाई है, बहुत खूबसूरत तमसील। ये है मुकद्दस लूका की इंजील 12वां बाब उसकी 16वीं आयत से। यूँ लिखा है, और यीशु ने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बहुत फसल हुई और वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार जमा करूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा कि अपनी कोठियाँ ढाऊँगा और बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना तमाम अनाज और माल जमा करूँगा और अपनी जान से कहूँगा कि ऐ जान, तेरे पास बहुत सा माल बहुत बरसों के लिए जमा है, चैन कर, खा पी, ऐश कर। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो है
जो अपने लिए ख़जाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। इस नादान साहूकार ने अपनी इस ख्वाहिश की परवाह की, मादा परस्ती, चीज़ों को हासिल करना, सिर्फ और अपनी ज़ात के लिए ही जीना, यही मादा परस्ती है, खुदगर्जी, बहुत बड़ा गुनाह है। अगर इसको खुदा ने दिया था, अगर ये बांटना शुरू करता तो बहुत बड़ी खुशी खुदा के लिए, खुदा के कामों में लगाता और खुदा के लोगों की मदद करता, तो ये मर नहीं सकता था, जिंदा रहता। आसमान पर ख़जाना जमा करना, यही खुदा की मर्ज़ी है। खुदा हमें बहुत मौके देता है खुदा की तरफ लौटना। अगर सिर्फ चीज़ों के लिए लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, सिर्फ चीज़ें समेटने के लिए, दौलत समेटने के लिए, या ताकत हासिल करने के लिए, या अपनी मशहूरी के लिए, या अपने लिए ही जीते हैं, तो यही वजह है बहुत से लोग खुदकुशी करते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं होती। बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत लोग, बहुत सब कुछ है, लेकिन बहुत से लोग खुदकुशी करते हैं। जापान में हर साल बहुत से नौजवान और दूसरे भी खुदकुशी करते हैं, अमेरिका में और बहुत से ममालिक में लोग खुदकुशी करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में जीने का मकसद ही कोई नहीं है। इंसान चीज़ों से खुश नहीं हो सकता, मादी चीज़ों से उसके अंदर खुशी नहीं आ सकती। खुदा ने हमें, हमारे अंदर एक रूह डाली है, वो रूह लामहदूद है, वो रूह महदूद चीज़ों से, फ़ानी चीज़ों से सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती है। इस रूह के अंदर जब तक कोई लामहदूद चीज़ ना आए, ये सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती है। बहुत से आप देखते हैं खुदकुशी कैसे वाकयात हैं, कोई यही वजह है, लोग चीज़ों से सेटिस्फाई या नशे से सेटिस्फाई अपने आप को करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि हम जिंदा रहेंगे। नहीं, खुदावन, खुदा जो ज़िंदगी का मालिक है, उसने हमें इस के बारे में क्या कहा है। मुकद्दस मरकस की इंजील में खुदावंद यस्सु हमें बहुत अच्छा पैगाम देता है इस खुदगर्जी की गुलामी से, इस फ़ानी चीज़ों की गुलामी से हम कैसे निकल सकते हैं, मादा परस्ती से कैसे निकल सकते हैं। मुकद्दस मरकस इंजील 8वां बाब है, उसकी 36वीं आयत में यूं हम पढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये हवाला है। मुकद्दस मरकस 8वां बाब लिखा है, क्योंकि आदमी को क्या फ़ायदा होगा कि अगर सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। जी हाँ, जो इंसान की रूह है, ये बहुत बहुत कीमती है। सारी दुनिया की दौलत, माल खजाने, हीरे जवाहरात, ताकत, सब कुछ एक तरफ रख दें, आसमान के सितारे भी एक तरफ रख दें, सब पहाड़, दरिया, समुंदर, सब कुछ, सारी कायनात एक तरफ रख दें, और एक तरफ इंसान की रूह, रूह फिर भी कीमती है। क्यों? इस रूह को कोई दुनिया की चीज़ बचा नहीं सकती, इसलिए इस रूह को बचाने के लिए खुदा इंसान बना, खुदा का बेटा इस दुनिया में आया, वो कलाम मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा और उसने कलाम सुनाया, फिर उसने मोजज़ात किए, लोगों को रोशनी दी, और वो सारी दुनिया के गुनाहों को लेकर मसलूब हो गया, मर के जी उठा। उस पर ईमान लाने से हम इस ज़िंदगी से, फ़ानी ज़िंदगी से, फ़ानी चीज़ों से, फ़ानी चीज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हो जाते हैं। ये आज़ादी सच्ची आज़ादी है। उस रूह को बचाने के लिए खुदावंद यस्सु ने कुर्बानी दी। रूह इंसान की सबसे ज़्यादा कीमती है, अपनी रूह का फ़िक्र करें। फ़ानी चीज़ों से इस रूह को नहीं बचा सकते,
जब आपकी रूह सुकून में है, रूह निजात याफ्ता है, यीशु के लहू से धुल गई, मसीह पर ईमान ले आए, उसको ज़िंदगी दे दी, उसको अपना मालिक मान लिया, नई जिंदगी शुरू की, वो हमें पाक रूह देता है कि हम इन चीज़ों की गुलामी से निकलकर चीज़ों को बांटना शुरू कर दें, इन चीज़ों को खुदा के कामों में लगाएं। आप जिंदा रहेंगे, आप मर ही नहीं सकते। तो खुदा ने इसलिए कहा है आदमी को क्या फ़ायदा, देखा जो आयत हमने, क्या फ़ायदा सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। आप अपनी जान को, अपनी रूह को बचा ही नहीं सकते हैं। यीशु मसीह के पास आएं और उसके कलाम की ताबेदारी करें, उसको ज़िंदगी दें, उसके कलाम की रोशनी में चलें। आपके अंदर बहुत बड़े ख़जाने, आप हैरान हो जाएंगे, लामहदूद खुशी आपके अंदर आ जाएगी। दुख तकलीफ़ें भी आएंगी, ये खुशी आपसे कोई छीन नहीं सकता है। वह हकीकी ज़िंदगी यीशु मसीह में है, उसके वसीले से चीज़ों से आप आज़ाद होंगे। कोई इंसान सोच भी नहीं सकता खुदकुशी का, कोई इंसान, आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन ही ख़त्म हो जाएगा। तो खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका छठा बाब, उसकी 33वीं आयत में यूं मरकूम है। ये देखें ज़िंदगी की बातें हैं, इस तरफ ध्यान दें, खुदा की बादशाही को अव्वल दर्जा दें। लिखा है बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्ती को ढूंढो तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें दी जाएंगी। बस कल के दिन के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी फिक्र आप ही करेगा, आज का दुख आज के लिए बस है। खुदा की बादशाही को ढूंढें, खुदा की बादशाही की तलाश करें और खुदा की बादशाही के लिए काम करें, और इस बादशाही में खुद भी शामिल हों और बहुत से लोगों को शामिल करें। आपकी ज़िंदगी बा मकसद, बा मानी, फलदार हो जाएगी। जी हाँ, ऐसे नहीं, ये जो मुकद्दसों की ज़िंदगी हमारे लिए रोशनी है। 2000 साल हो गए कलीसिया में, बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जिन्होंने इस राज को पा लिया, जिन्होंने सब कुछ दे दिया और सब कुछ उसे पा लिया, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे दी और उसके लिए शहीद होते थे, उसकी राहों पर चलते चलते कोई उनसे ये खुशी छीन नहीं सकता था। मुकद्दस पौलुस रसूल इस दौड़ में, उसने दौड़ना शुरू किया जब खुदावंद ने उसे बुलाया। क्या खूबसूरत ज़िंदगी है मुकद्दस पौलुस रसूल की। इस दौड़ में दौड़ना शुरू किया, कोड़े खाए, कैद में रहा, भूखे रह रहकर भी, ख़तरों में भी, हर सिचुएशन में वो उस दौड़ में दौड़ता रहा, और जितना उस दौड़ में दौड़ते हुए दुख सहता था उतनी बड़ी खुशी उसे मिलती थी, उतने बड़े भेद खुदा उस पर जाहिर करता था, क्योंकि वो इन चीज़ों से आज़ाद था। वो खुद हमें इस दौड़, अपनी दौड़ के बारे में बताता है। तो हम पढ़ते हैं खुदावंद के कलाम में तमातौस, दूसरा तमातौस है, उसका चौथा बाब और 70वीं आयत। लिखा है कि सातवीं आयत है, दूसरा तमातौस उसका चौथा बाब उसकी 7वीं आयत है। लिखा है पौलुस रसूल कहता है ये उसे उसकी मौत से पहले का, सज़ाए मौत हो चुकी है, अब वो इंतज़ार कर रहा है। वो अपने बारे में लिखता है कैसी खूबसूरत मौत को भी किस नज़र से देखता है वो। जो चीज़, जो इंसान चीज़ों से आज़ाद, चीज़ों से बालातार होता है, वो ज़िंदगी की तरफ देखता है, उसके ज़िंदगी से वो खुशी को छीन नहीं सकता, वो सुकून छीन नहीं सकता। देखिए वो कहता है मैं अब तपावन की तरह बहाया जा रहा हूँ और मेरी रवानगी का वक्त आ पहुँचा। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया है, मैंने ईमान को संभाले रखा है, अब से सदाकत का ताज मेरे लिए रखा है, जिसे खुदावंद जो आदल मुनसिफ है उस दिन मुझे देगा, और फक्त मुझे नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसकी आमद के आरजूमंद हैं। देखिए उस दौड़ में
दौड़ के उसने अपनी दौड़ को मुकम्मल किया, वो भी दौड़ रहा था, उसने दौड़ को मुकम्मल किया और उसके लिए सदाकत का ताज रखा हुआ है। बानूस उसूल हमारे लिए नमूना है, उसने अपनी दौड़ को मुकम्मल किया खुदावंद के पीछे, खुदा की बादशाही के लिए दौड़ता रहा। आप भी मुकद्दस बानूस उसूल के नक्शे कदम पर चलें, उसका नमूना अपनाएं, आप भी इस दौड़ में दौड़ें, आएँ सब मिलकर इस दौड़ में दौड़ें, आपके लिए भी सदाकत का ताज रखा है, आपकी ज़िंदगी फलदार, आपकी ज़िंदगी बामकसद होगी, आपकी ज़िंदगी में खुशी और इत्मीनान होगा। यही मकसद है खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का, कि हम सबको उस अपनी बादशाही में शामिल करें और इस बादशाही की हम का ऐलान करें, इस बादशाही को कायम करने के लिए दौड़ें, अपनी एनर्जी, अपनी जवानी, अपने रिसोर्सेस इस बादशाही के लिए वक्फ करें। ये ज़िंदगी है, ये अपनी ज़िंदगी है जो यीशु हमें देने के लिए आया, इसके अलावा कोई भी चीज़ हमें बचा नहीं सकती। तो आज इस कलाम के ज़रिए मैं आपको दावत देता हूँ कि आए अपनी ज़िंदगी यीशु को दें, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी रूह का फिक्र करें, उसके कलाम की रोशनी में चलें, उसकी ताबेदारी में चलें और आए मेरे साथ पौलुस रसूल के साथ और बहुत सी हस्तियों के साथ इस दौड़ में दौड़ें। आप उस मंजिल को पा लेंगे और सदाकत का ताज पाएंगे। अगर आप ये फैसला करते हैं तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, यीशु मसीह पर ईमान लाए। आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, जो इस वक्त सुन रहे हैं आप सबके लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। कादर मुतलक प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं इस कलाम के लिए। अपना रूल कुदस हर बेटे और बेटी पर नाजिल कर, हम तेरी तरफ लौटे हैं खुदावंद, अपने गुनाहों से तौबा करें, फ़ानी चीज़ों से आज़ाद हो जाएं, चीज़ों की ख्वाहिशों से आज़ाद हो जाएं, मादा परस्ती से आज़ाद हो जाएं, और अगर खुदावंद जो तू हमें चीज़ें देता है इनको हम तेरे लिए और तेरे लोगों की और तेरी बादशाही के लिए इस दुनिया में इस्तेमाल करें और इस दौड़ में दौड़ते हुए अपनी मंजिल को पालें और सदाकत के ताज को पाएं, जैसे पौलुस रसूल ने पा लिया हम भी पाएं। रूह कुदस आ, हमारी इस दौड़ में तू हमारा साथी हो, हमारी मदद कर, हमें कुव्वत दे, हमें रोशनी दे और सब सुनने वालों को बरकत दे, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।